तो हेलो एवरीवन, आज हम ड्रॉ करने वाले हैं एक रियलिस्टिक आई, जिसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ एक मैकेनिकल पेंसिल और 3 ग्रेड्स की पेंसिल जो कि है HB, 2B और 4B। सो मैं इन्हीं 3 ग्रेड्स की पेंसिल्स का यूज़ करूँगा रियलिस्टिक आई बनाने में। बस यही टूल्स है जिससे मैं कि आईज ड्रॉ करूँगा और लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पहले तो हम स्केल की हेल्प से 2 लाइंस बना देंगे जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, और फिर उन्हीं लाइन की मदद से हम एक सर्कल बना लेंगे। आप चाहे तो सर्कल कंपास या किसी और टूल के हेल्प से भी बना सकते हैं। सो सर्कल बनाने के बाद हम एक बेसिक आई की शेप बना लेंगे और उसी के अंदर हम एक और सर्कल बनाएंगे। उस सर्कल को आधा हम इरेज करके उसके ऊपर एक हाईलाइट बना देंगे जो कि हमारी आई को एक 3D लुक देगी। सो गाइस, हमारी आई की जो बेसिक ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम जो आई के बीच में जो सर्कल होता है उसमें शेडिंग कर देंगे। इधर मैं शेडिंग 2B पेंसिल से कर रहा हूँ, और फिर डार्क एरियाज के लिए मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे आपको लाइट करना है और कहाँ पे डार्क करना है। और फिर जो छोटा सर्कल है उसके आसपास मैंने डार्क कर दिया है ताकि वो भी 3D लगे, और लाइंस उसके आसपास लाइंस मैंने बना दी है। और जो भी पतली पतली हाइलाइट्स हैं वो मैं एक इरेजर से दूंगा जो कि मैंने खुद कट करके बनाया है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो आइस में जो बीच में सर्कल होता है आइरिश, वो कंप्लीट हो चुकी है। सो अब इसके बाद हमको जो बाहर का एरिया होता है वाइट एरिया, वहाँ पे हल्का हल्का शेड करना है ताकि वो रियलिस्टिक उसमें लुक आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमारी जो आई है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो बचता है वो बस हमारी आई के आईलैश और ये वाला पार्ट रहता है बस, और फिर हमारी आई कंप्लीट हो जाएगी। सो इसको भी शेड कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आईलैशेस को शेड करने के पहले मैं आईज का ये दूसरा वाला पार्ट मैं शेड कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर मैं आईलैश को शेड कर सकूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि ये दोनों मिक्सअप हो गए हैं। तो इन दोनों को अलग अलग ही शेड करना पड़ेगा। सो मैं पहले इसको शेड कर रहा हूँ, और जो स्किन का टोन है वो भी मैंने दे दिया है। सो आई है जो उसके चारों तरफ जो स्किन का टेक्सचर होता है वो हमने दे दिया है, और अब बचे हैं आईलैशेस। तो ये आईलैशेस को शेड करने के बाद हमारी जो आई है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि जो आईलैश होते हैं वो ऊपर की तरफ कर्व्ड होते हैं, तो मैंने भी उसी तरह ऊपर की तरफ कर्व्ड आईलैश बना दिए हैं, और मैंने वीडियो थोड़ी तेज़ कर दी है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आई के एंड वाला पार्ट है वो वहाँ पे आईलैश थोड़े बड़े होते हैं और स्टार्टिंग वाले पार्ट में थोड़े छोटे होते हैं। और मैंने जो आई बॉल पे हाईलाइट बनाई थी वहाँ पे मैं आईलैश के रिफ्लेक्शन बना दूंगा ताकि हमारी जो आई है वो रियलिस्टिक लगे। सो गाइस, इस वीडियो में आपने देखा कि हम बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल करके एक हाइपर रियलिस्टिक आई कैसे बना सकते हैं, और आई होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो, और एक लाइक कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।